गुपचुप खा रहा है। पकौड़ी चौक 12 बजे रात, कितना खत्म मुसलमान है। सबसे बड़ा रोगा मासूम मानुस यही बचा। नबी की महफिल सजी है, उधर चौक पकौड़ी खा रहा है। खाओ, कौन मना किया? खाओ, घर ले जाओ, बूढ़े माँ बाप को ले जाके दो। लेकिन बूढ़े माँ बाप को कभी लेके देता है कुछ? जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, कभी माँ को लाके कुछ दिया? नहीं देगा। बीवी के लिए, अरे बाप जान दे देगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ अपनी बीवी के लिए छुपा के ले जाएगा। नहीं तो 10 को गुप चुप चुप चुपे चुप बीवी को दे दिया। माँ वहीं बैठी है और बहू 10 को गुप चुप उड़ा दिया। पता नहीं चला बहू माँ पूछ रही, अरे का चीज खा रही रे? 10 को गुप चुप हवा। अरे खिलाओ ना भैया, कौन मना किया है? लेकिन माँ बाप को कभी गुलगुल ला दिया है? जिसे कदम के नीचे जन्नत है, एक जगह तकरीर कर दिए, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। दू लड़का का झारखंडी बाबा, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, ये तो जानते हैं हजरत, मानते भी हैं, सुनते भी हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बेटा बैठ जा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2 लाख नगद है, साथ में हीरो होंडा फैशन प्रो है। खट से बैठ गया, बोल हजरत ये सब दिया है के लिए, फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। नहीं मांगता हजरत, कसम शादी में तो चलता है। सही बात है, बड़ा का 15,000 का डीजे ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। 10,000 का पड़ाका नहीं देखते, फजूल खर्ची। इतना इतर, इतना सुरमा, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ते। तब हम लोग जनाजा पढ़ाते, निकाह पढ़ाते, फातिया करते, मिलाद करते, सब कमुआ करिए लेते, पड़ाका क्यों नहीं फोड़ते? आप लोगों क्यों फोड़ने देते? हम मौलाना है, आप लोग 10 टका फोड़ते, हम लोग बम लेके जाते, ज्यादा सवाब मिलते। आप लोग छोटा छोटा फोड़ते, हम लोग बड़ा बड़ा लेके जाते, हम लोग झलम डेना माटी लेके जाते, संदिग्ध घर उड़ा देते। हज का सवाब होता, सवाब लेना होगा तो फिर डीजे गाड़ी में कह बांध के ले जाते, संदीप पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। जे डीजे पड़ाका शादी में बंद करो, इसला है मुआशरा का यही पैगाम है। सादगी में शादी कर, उन डीजे पड़ाका का पैसा बचा के मोहल्ले के मकतब मदरसे मस्जिद में लगा दे। तेरा बेटा जब पढ़ेगा ना, तो कसम खुदा की तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा, फातिमा बनेगी। आज नहीं देखते कितनी हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ जा रही है? मोबाइल के चक्कर में तुम पागल कर दिए हो। अपनी जवान बेटियों को मोबाइल देना बंद कर दो। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल छूना नहीं चाहिए। जरूरत हो बेटी बात कर लो घर में बैठ करके, जरूरत हो बेटी यही मोबाइल देख लो। तन्हाई में रात के अंधेरे में बेटी मोबाइल लेके सो नहीं सकती, जवान बेटी को मोबाइल मत दो, वरना तुम्हारी कौम की बेटी कब कहां चली जाएगी कहना मुश्किल है। कलीजे फातिमा नहीं बनेगी। आजकल मोबाइल दे देता है बेटी को, और घर में टावर नहीं, जहां माँ बाप है वहां टावर नहीं, खेत तरफ टावर है, उधर टावर है, पावर है रे बाप। आई लव यू टू, तेरी चल आई लव यू कहना बुरा नहीं है, लेकिन आई लव यू तुम कभी रसूल से कहा होता? या रसूल अल्लाह आई लव यू, या बॉस आई लव यू, या खाजा आई लव यू, या अम्मी जान आई लव यू। जी शाहिल तेरा बेटा है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए गैरों को देख करके आई लव यू कहता है। रात में मोबाइल में फोन करेगा, बल दिल दिया है जान भी देंगे। दिल है दल दल, अरे जहां तहां दिल मत दो, दिल रब ने बनाया है, दिल रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको हटिया बाजार मेला झमेला बगैर जरूरत नहीं जाना है। औरतों को मजार भी जाना मना है, औरतों बाजार हटिया चौक चौराहे बगैर जरूरत से नहीं जा सकती। आपका शोहर कमा के खेत से क्या कहते खेती बाड़ी करके या बाजार से या पर्दे से घर आए, किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के घर आने पर सलाम करे और हाथ में एक गिलास पानी देती है,
उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह बेटा। मेरी माँ बाप ने सुने बाजा वाला थोड़ा सा साउंड खोलिए आवाज बैठ रही है। कहाँ गया बाजा वाला? थोड़ा सा खोलिए आवाज आपको खिल नहीं पा रहा। थोड़ा सा आवाज खिलाइए, थोड़ा सा खिलाइए आवाज, आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए और खिलाइए, भारी आवाज नहीं है। मेरी माँ बहने थोड़ी सा आवाज खिलाइए, आवाज आ नहीं रही है। किताबों में आया है कि जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देता है और उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह। और वही बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करे, यानी जो बीवी काजल लगाती आंखों में गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, कोई पाक क्रीम लगाती है गुनाह नहीं, अपने माथा के चूल को बाल को सवारती हो गुनाह नहीं, सज धज के रहना, कान में नाक में जेवर पहनना, मेरी माँ बने ये गुनाह नहीं है। जो बीवी शोहर के नाम पे जेवर पहने, जो बीवी शोहर के नाम पे आंखों में काजल लगाए, जो बीवी अपने शोहर के नाम पे अपने बाल चूल को संवारे, जो बीवी शोहर के नाम पे अच्छा कपड़ा पहने यानी सज धज के रहे यानी सिंगार करे, जो बीवी अपने चेहरे में सिंगार करती है ताकि मेरा शोहर मेरा सिंगार को देखेगा, अगर ये नियत करके जो बीवी सिंगार करे उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है माँ पहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है। और करो माँ बहने काजल लगाना, पाउडर लगाना, चेहरे को मेकअप करना, सजना सवरना, बाल को सवारना, अच्छा कपड़ा पहनना, सज धज के रहना, ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। अगर शोहर के नाम पे ऐसा करे तो 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब बीवी को मिलेगा सजने संवरने में। और वही बीवी अपने मन से अपने शोहर के पांव दबाए, यानी शोहर कुछ ना बोले, पति कुछ ना बोले, बीवी शोहर के सामने जाए और अपने मन से जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, आपके गाजीपुरम नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धवल है। ये सब बात हमारे झारखंड तरफ है, यहाँ माँ बहन सब दूध के धवल है, सब ठीक ठाक है, यहाँ पांव दबाती है, हमारे तरफ गर्दन दबा दे, वहां भी पांव दबाती है माशाल्लाह। लेकिन जो बीवी अपने मन से दबाए तब आजकल की बहू बेटी कहां खिदमत करती शोहर, हया शर्म खत्म है। इसी गाजी पड़ा के पुराने दौर की औरतों को देखिएगा, बहू बेटियों को, पुराने दौर की बहू को अभी भी माथा खुला नहीं रहता है, बड़ी इज्जत करती है। अभी की बहू, अरे बाप, शादी दीजिए बेटा बहू कल घूम के वापस आ रहा है, बहू का हाथ देखना, गाड़ी नहीं पकड़ेगी बेटा गर्दन में, लगता है गियर यही दबा रही, बोला कि गर्दन एंड गियर है रे, बोले मेरा बाप 3 लाख दिया है, ज्यादा करेगा तो यही दबा के मार देंगे। इसलिए अभी के दौर की बहू एगो बैग टांगेगी, बैग लगता है डॉक्टर नहीं निकल रही है। लेकिन माशाल्लाह
स्टाइल करो, लेकिन कनीजे फातिमा बन जा, पेशानी पे सजदे का निशान हो और कपड़ों में पेवन हो। नबी की बेटी के कपड़ों में 12-12 पेवन होता था, लेकिन जब पेशानी फातिमा जहरा जमीन पर रख देती थी ना, तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। हमारे घर की बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती है, न सजदा करती है, शोहर बेचारा कमाते कमाते परेशान, बरकत नहीं होती। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की माँ ईशा के नमाज पढ़ती थी और कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर माँ के पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, अब्दुल कादिर याद कर लेता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा आला हजरत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, बच्चा पेट में है, माँ डेढ़ डेढ़ घंटा सीरियल देख रही है। अब उस माँ के पेट से गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम डीजे पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा। आज अगर माँ चाह ले कि हम सजदा करके सोए तो कसम खुदा उनके नस्लों में आज भी गुलाम हुसैन बेशक। आज हमारा बेटा शराब भी पीने लगा, पिया पीता है शराब। खैर आपके मोहल्ले में नहीं, ऐसा सिस्टम है, बहुत जगह शराब पीने लगा। आज का बेटा यहाँ शराब नहीं पीता होगा, यहाँ का नौजवान सब दूध के धौल है, यहाँ ठीक ठाक होगा। याद रखना, हजरत अली फरमाते हैं एक कतरा शराब किसी समंदर में गिर जाए और समंदर का पानी सूख जाए और वहां घास उग जाए, हजरत अली फरमाते हैं कि वहां अपने घोड़े को नहीं चरने देंगे जहां शराब का कतरा गिरा हुआ पानी सूख जाए, वहां घास उग जाए। एक कतरा शराब अगर किसी कुआं में गिर जाए तो पूरा कुआं का पानी नापाक हो जाता है। गौर करो, उतना बड़ा कुआं, एक कतरा शराब गिर जाए तो पूरा कुआं बर्बाद हो सकता है। तो एक बोतल शराब एक बिद्दा का पेट क्या करेगा, जहन्नम का गेट बना देगा। शराब से तौबा करो। शेबरात की सब है ना, शेबरात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन तीन आदमी दुआ शेबरात में कबूल नहीं होती है। शेबरात में लोग हलवा पूरी बनाते कि नहीं बनाते? हम लोग सुन्नी हैं, बरेली मसलक वाले हैं, हम लोग हलवा भी खाते हैं, पूरी भी खाते हैं, गौस का मुर्गा भी खाते हैं, हुसैन के नाम का खिचड़ा भी खाते हैं। जी बेशक। कुछ लोग इतराज करता है कि सुन्नी लोग ये बरेली लोग शबे बरात में हलवा पकाता है, सूजी बनाता है, हलवा पूरी कौन किताब में लिखा है, हमसे पूछ रहा था। हमने कहा कि हलवा पूरी किताब में नहीं लिखा है, हलवा पूरी कड़ाही में लिखा है। तुम लोग किताब में खोजते हो, हम लोग कड़ाही से निकाल के खाते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। अब हलवा कौन किताब में है? अच्छा, हलवा कहीं किताब में रहता है, हलवा तो कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोज रहे हैं, बोले हम लोग कड़ाही से निकाल के खा रहे हैं। अब हलवा कहाँ? हम लोग मुहर्रम में मुर्गा जबा करे, हम किताब में खोजे वो मुर्गा कौन किताब में है, आप लोग मुर्गा जब करते हैं। हमने कहा मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांसी टोकरी में रहता है। हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए, हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब झंडा झंडा गड़े मुहर्रम में रबी अव्वल में, हम हर किताब में खोजे वो बोल झंडा कौन किताब में है। कहिए झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कहिए हम लोग बांस में गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी,
है ना, इसलिए झंडा की लड़ाई छोड़ो, हलवा की लड़ाई छोड़ो, पहले पढ़ो और नबी से मोहब्बत करो और अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। याद रखो नौजवानों, तेरे लिए तेरे माँ का चेहरा है। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कह या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते हैं अगर टका कौड़ी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, माँ बाप है, कहाँ है, कहा घर जा, अपने माँ बाप का चेहरा देख, उनसे मोहब्बत कर, उनके चेहरे की जियारत कर, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करे। सुभान अल्लाह। माँ बाप का चेहरा देखना हज का सवाब। देखिएगा कभी गाड़ी में पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, क्या लिखा रहता है, माँ का आशीर्वाद। हिंदू की गाड़ी हो चाहे मुसलमान की गाड़ी, लिख देता है माँ का आशीर्वाद। गाड़ी कसम खुदा की कटिहार से राजस्थान गुजरात होते हुए वापस आ जाती है जी। कभी लिखा हुआ देखे सास का आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए गाड़ी कटिहार बरसों ही जम जाते तीन पट कनिया खत्म। लेकिन माँ के नाम में उतना पावर है। माँ के नाम में एक आदमी पढ़ के आया, अपनी माँ को कहा माँ हम पढ़ के आए हैं, हम हक अदा कर देंगे। माँ ने कहा बेटा तुम पढ़ लिख लिया ठीक किया रे, हक अदा नहीं कर पाओगे। कहा नहीं माँ, हम माँ बाप का हक अदा करेंगे। माँ ने कहा बेटा सुनो, बाबू सुनो रे, आज तक दुनिया में किसी ने अपने माँ का हक अदा नहीं किया है। कहा हाँ माँ हम करेंगे, क्योंकि एक बेटा 24 घंटा में कितना दूध पीता है बोलते हैं। एक लड़का अपनी माँ के सीने से 24 घंटा में 3.5 किलो दूध पीता है। कितना पीता है, 3.5 किलो 24 घंटा में दूध पीता है। और बेटी 3 किलो पीती है, 3 किलो अभी किलो है शेर कहता था उसको, 3 शेर दूध बेटा पीता है 3.5 शेर, और 3 शेर दूध बेटी पीती है, आधा किलो बेटा से बेटी कम पीती है। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करती है माँ बाप से, बेटी। बेटा कहाँ, बेटा निकल गया बाहर, बहू घर में, बूढ़ा बूढ़ी टुक 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 बैठल है, न गर्म पानी, न चाय, न नाश्ता, कुछ नहीं देगा। बहू की हुकूमत आजकल के दौर में, बूढ़ा बूढ़ी चुपचाप है, खाने टाइम में कुछ नहीं दिया, यहाँ वहाँ बैठा। जब माँ बाप खाना पीना छोड़ दिया उस टाइम में देखिएगा बाप को लाकर रसमलाई खिलाएगा, जब मुंह बंद हो गया तब बेटा बहु रसमलाई, खाने के टाइम में पानी पे खिलाता है, लगता है मौलाना नहीं ये बाप नहीं इमाम बन गया है ना, ऐसा होता है पाली पे खाना खिलाता है। 3 गो बहू है 10-10 दिन के पाली, और 9 ही दिन के रथ हम बहू बोल देती है हमारे घर के पाली खत्म हो गई, अब बड़का घर जाइए मेरे घर खत्म। बोलो मुसलमानों, जिस माँ ने तेरे लिए क्या नहीं किया, 1:30 बजे रात उठ करके सीने से लगाई, आज तुम माँ बाप को छोड़ के कामयाब नहीं हो सकते। अगर तुम माँ बाप को राजी करना चाहो और घर से निकल के तुम कहो कि अजमेर जाएंगे तो अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, नहीं, पहले गाजीपाड़ा में माँ बाप को राजी करो, तब अजमेर जा, तब अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, मदीना जा तो मुस्तफा राजी होगा। बेशक, इसलिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। और तुम्हें क्या कह रहा था, एक लड़का घर से बाहर से पढ़ के आया, कहा माँ हम हक अदा कर देंगे। माँ ने कहा बेटा ऐसा करो बाबू, दुनिया में आज तक किसी ने अपने माँ बाप का हक अदा नहीं किया, कहा माँ हम करेंगे। कहा ठीक है बेटा, आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ। क्या कहा, अपनी माँ ने कहा बेटा मेरे साथ सो जाओ, आज इसी घर में सो। बेटा सो गया माँ के बगल में, बूढ़ी माँ सोई है। कहा बाबू हक अदा करेगा, कहा माँ हम तेरा हक अदा कर देंगे, तूने पढ़ाया लिखाया खर्चा किया। माँ ने कहा ठीक है बाबू सो, हक अदा करना सो जा। बेटा सो गया, डॉक्टर बन के आया था, माँ के बगल में सोया। 1 घंटा बाद माँ उठी, कहा बेटा सो गया क्या, कहा हाँ थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। कहा बेटा ऐसा करो हमको एक गिलास पानी पिलाओ, बेटा प्यास लगी है। बेटा फट से उठा, घड़ा के पास किया, पानी निकाला, माँ को दे दिया। सोचा हक अदा करेंगे, माँ को दिया, माँ आधा गिलास पानी पी और आधा पानी पर बिस्तर में गिरा दिया, लड़कवा सोता था। बेटा बोला हाँ माँ अब पानी गिरा दिए, हम कहाँ सोएंगे। माँ ने कहा बाबू बेटा थोड़ा किनारे सो जान, बाबू हाथ से गिलास छूट गया, हम क्या करें, बेटा बूढ़ा आदमी है। बेटा सो गया,
एक घंटा के बाद फिर माँ उठ के बैठी, कहा बाबू है डॉक्टर साहब, हे बेटा रे सो गया क्या रे? बोल हाँ। बोल कहाँ प्यास बुझी है बेटा, एक गिलास और पिलाओ। बेटा फिर खट से उठा, घड़ा से पानी निकाल के माँ को दिया। माँ फिर पीते पीते आधा पानी पी, और बेटा जहाँ सोता था वही पनिया फिर आधा गिरा दिया। बेटा बोला हाँ माँ, फिर गिरा दिए, कहाँ सोएंगे? कहा बेटा थोड़ा बगल में हट के सो जा बाबू, क्या करे रे, बिस्तर फेंक गया हम क्या करें। बेटा फिर सो गया। अब एक डेढ़ घंटा बाद जब देखा बेटा गहरी नींद में सो रही है, तब माँ ने बेटे को हिलाया, कहा हे बेटा हे, पानी गरम पानी पिला बेटा, ठंडा पानी प्यास नहीं बुझती है। डॉक्टर बना था, माँ का हक अदा करने सोया था, फट से उठा, चूल्हा जलाया, लकड़ी दिया, फिर पानी गरम किया, फिर माँ को लाके दिया। माँ आधा पानी पी, फिर आधा बिस्तर पे गिरा दिया। बस गिराना था बेटा पारा गरम, बार बार पानी पिएंगे पानी पिएंगे करके बिस्तर पर गिरा देते, कहाँ सोएंगे तुम्हारा माथा। माँ मुस्कुराई, माँ मुस्कुराई, कहा बेटा हो गया बाबू, ये की रात में बेटा तीनों मर्तबा उठा, ये हाल है, हे बेटा 3 साल तक तुम डेली बिस्तर में पेशाब करके भिगा देता था, हम तेरे बिस्तर में सो करके सीने पे रख के तुमको सुबह किया था, लेकिन कभी उफ न किया था। सुन ले बेटा, कयामत तक कोई बेटा चाहे माँ बाप का हक अदा कर देंगे, वो एक रात का हक अदा। बिल्कुल हक अदा, 10 दिन का खाना खिला दे तो हक अदा हो जाता है। माँ को पाली खाना खिला रहे, बहुत कमाल कर रहे हो। अरे तेरी माँ ने रात रात भर आंचल में मिठाई बांध के मुढ़ी बांध के लाके खिलाई है, क्या समझते हो? खेत में काम करके तेरी माँ ने खिलाई है। आज तुम जवान हो गए हो, माँ बाप को छोड़ दिए हो, ससुराल जाएगा, अरे बाप माँ बाप को कभी लाके नहीं देगा। लेकिन यही लड़का जब ससुराल जाएगा, एकदम सीधे मार्केट, दोनों मियाँ बीवी बैठ करके, बहू पीछे है गाड़ी चला रहा है, सीधे मार्केट गया, फल वाला 1.5 किलो फल, बढ़िया वाला सेब, क्वालिटी वाला, पेक का है, ससुराल जा रहा है, ससुराल जा रहा है, 1.5 किलो सेब माँ बाप के लिए नहीं, सास ससुर के लिए, पेक। फिर मिठाई दुकान गया, 200 रुपया मलाई चमचम, पेक। तब तक बहू पीछे से कर रही है, बोल मेरी माँ सिंगाड़ा खाती है, बोल 10 को सिंगाड़ा, पेक। अगर बीवी कह दे मेरी माँ मिट्टी खाती है, तो एक खांची माटी पे, मतलब शोहर बीवी कहते जाए बेटा पेक कराता जाए, करो ना पेक, कौन मना किया है? लेकिन कभी माँ के हाथ में लाके दिया गुलगुल्ला? नहीं देगा। कब देगा? जब खाना पीना बन, खाटी पकड़ लिया बाप, तब सब बेटा बहू घेर लिया, माथा बगल में खड़ा, बाप ए बाबा हम बड़का लड़कवा है, बाबा पहचाने, रस मलाई खाइएगा, बुढ़वा मन में खाने टाइम में कोई बाप को गुलगुल्ला नहीं दिया, मरने टाइम में रस मलाई जूस सेब संतरा, खाने पीने टाइम में खिला पिला के दुआ ले लो। कसम खुदा की तेरी माँ चल उठा देगी ना, तुम कहीं भी रहोगे मुसीबत में, तेरी माँ के दुआ के सदके में मुसीबत टल जाएगी। इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहने, आप फातिमा नहीं बन सकती हैं, कोशिश करो फातिमा की कनीज बन जाए, अपनी जिंदगी को कटाओ और अपने सास ससुर से मोहब्बत करो और नमाज पढ़ो। नमाज शबे बरात में कितने नमाज पढ़ना चाहिए? शबे बरात में क्या रकत पढ़ते हैं नमाज आप लोग? शबे बरात में 60 रकत, क्या रकत, क्या रकत है भैया? फंस गया ये, मतलब सर 12 रकत नहीं पढ़ पाते, मौला कहां से लिया? अरे बाप 60 रकत अब तो हो गई खटिया खड़े, हम लोग 12 रकत में थक जाते हैं। 12 रकत नमाज है, 600 तस्बीह है, शबे बरात के शब में उसमें 2 रोजा रखता है, कोई 1 रखता है। 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पे जाना, कहाँ जाना? कब्रों पे जाना, खाली अगरबत्ती मत जलाना। आजकल के नौजवान पढ़ा लिखा तो है नहीं, 3 बजे भोर जाएगा, इतना अगरबत्ती माँ बाप के कब्र में जला के चल दिया। अगरबत्ती जलाने से अगर बख्शा जाता तो लोग अपने माँ बाप के कब्रों में एक पैकेट का है वो अगरबत्ती टोलिए गिरा देता। अगरबत्ती से नहीं, अगरबत्ती को हालांकि कब्रों से दूर रखो, आग कब्र से दूर रखना चाहिए, ओलमा बैठे कब्र के अंदर आग नहीं जलाओ। अब की शबरा से क्या करना है, अगरबत्ती बंद कर दो, ये अगरबत्ती से फायदा नहीं है।
अगरबत्ती आग है और रसूल फरमाते हैं कब्रों को आग से दूर रखो, और अगरबत्ती में आग जलती है इसलिए कब्र को आग से दूर रखना। और अब की शिवरात्रि में एक शीशी गुलाब का पानी 10% लेता है, इतना बड़ा गुलाब का पानी, 10% का गुलाब का पानी, 10% का वो इतर दोनों मिला के हिला लेना, और 3 बजे भोर माँ के कब्र में जाके छिड़क देना, हाथ उठा के कुरान की चंद आयत को पढ़ के दुआ करना, कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, तेरे माँ बाप भी बख्शा जाए। यही करना है शिवरात में, कुरान पढ़ना है, खाली हलवा पूरी खा के मत सो जाना। आजकल तो फातिहा करने इमाम को बुलाता है आज के दौर में, कसम खुदा की अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 5000 रुपया तनख्वाह, उससे बढ़िया अंग्रेज को फंसा देता था वही ठीक था, सही बता रहे हैं। 24 घंटा ड्यूटी करो और फातिहा करने घर बुलाएगा और 5 गो टका। अभी अगले शिवरात में एक इमाम घुसाएगा घर, बोला हजरत चलिए मेरे घर फातिहा पढ़ दीजिएगा। इमाम साहब किया, देखा सूजी हलवा पूरी बटर मटर रखल है, साइड में अगरबत्ती जला के खड़ा, बगल में वो पंटकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा करो, वो पंटकवा देखे इधर से घुसा ला इलाही अल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपया हम रात भर बैठे रहे, क्या करें करेगा, 5 गो टका देगा क्या रात भर बैठे रहे, नहीं देता नहीं देगा, सबको दे देगा, शादी ब्याह में कम खर्चा नहीं करता है, लेकिन इमाम साहब को मिलाद पढ़वा करके 100 टका वो भी उधार नगद नहीं। सोइए इमाम साहब सुबह भेंट करेंगे, इमाम साहब सुतल है टुकुर 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 टुकुर, सुबह होगी तब नहीं देगा, पूरा खर्चा कर देगा, इमाम मौला नहीं देगा। शादी में पूरा खर्चा करता है लेकिन निकाह पढ़ाने वाला असल इमाम, लेकिन क्या बजे इमाम आता है 1:30 बजे रात, मेन टाइम में डीजे बजता है, मेन टाइम में पड़ाका, जब पड़ाका बंद डीजे बंद खाना खा के सब अपने अपने घर, तब दूल्हा मुर्गी की तरह चौकी में बैठ के चप रहा है, तब 1:30 बजे इमाम गया रजिस्टर लेके, अब गवाह खोजता गवाह नहीं मिलता उस टाइम, एक दूगो बूढ़ा बैठल है, चचा दादो आपका नाम गवाही में लिख देंगे, आप सिग्नेचर करना जानते हैं, तो बुढ़वा कहता चलेगा हमारा रथ हम चल जाएगा। 1:30 बजे रात अब दूल्हा बैठा है, इमाम साहब बोला ठीक से बैठ, अब दूल्हा जल्दी जल्दी उठ के बैठा, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा, हमारा क्या लाला पड़ रहा है, ठीक से बैठे मौलाना साहब इसे बात नहीं भूली उलटती है, थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा पढ़ो बेटा यूही बोल हुई हुई बोल, तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका, हुसैन का बेटा कलमा पढ़ा कलमा बचाया, कुरान पढ़ा कुरान बचाया, सजदा किया सजदा बचाया, नमाज पढ़ा नमाज बचाया, और दीन का झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाया। थोड़ी देर बोल दे इस्लाम मुआशरा पर मेरी गुफ्तगू होती है, बाजा अल्लाह के बहुत ज्यादा मुंह सुखा रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा बोल रहा, माइक में कहां चले गया, मैं थका बोल रहा हूं, 14 घंटे का सफर, माइक में ऑपरेटर साहब 14 घंटे का सफर, सुनने के बाद बहुत ज्यादा आ जाएगा, 14 घंटे का सफर करके आया हूं। कल रात जलसा था देवघर डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के देवघर सुने होंगे, उसको बाबा धाम भी कहता है, वहीं से आके हम आए हैं, और वर्धमान से ट्रेन पकड़ के फिर बारसोई, फिर वहां से यहाँ 4 गाड़ी बदले तब यहाँ पहुंचे, बड़ी मेहनत की है यहाँ के लोगों ने माशाल्लाह। और मेरी तकरीर अगर यूट्यूब में जाना हो ना, यूट्यूब में तो यूट्यूब का अभी झारखंड बिहार बंगाल उड़ीसा यूपी ये 4 राज्यों में यूट्यूब चैनल का लोग मैं नहीं लोग कहता है बेताज बादशाह, चैनल खोजिएगा टोटल मेरी ही तकरीर दिखाई देगी, झारखंडी बाबा लिखना
या सिद्दीक हसन झारखंडी, ऐसे मेरा नाम मौलाना सिद्दीक हसन रजवी है लेकिन टाइटल है सिद्दीक हसन झारखंडी उर्फ बाबा, लोग कहता है झारखंडी बाबा। कोई बिहारी बाबू के नाम से था मशहूर, उसको झारखंडी बाबा का। और ये जो मैं घूम रहा हूँ ना, ये घूम रहा हूँ, ये मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है, कहिए और बेटी का सदका है। मेरी चार बेटी है, इस वजह से मेरे घर में बरकत है। आजकल बेटी पैदा होती है ना तो लगता पूरा खानदान मर जाएगा, और जहाँ बेटा पैदा हो, अरे बाप मत पूछिए, दौड़ के जाएगा मदरसा चाहे मस्जिद इमाम साहब, क्या बात है रे, चलिए मेरा घरवा चलिए 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 चलिए, क्या हुआ बेटा हुआ है, अजान दीजिएगा, एक सौ टका देंगे, इमाम साहब को बैठा के हर रग ले चला गया। और जहां बेटी हो गई, मौलवी साहब, ए मौलवी साहब क्या हुआ रे, मेरी किस्मत फुटल है मौलवी साहब, क्या हुआ बेटी, लगता है मस्जिद अधूरी मर जाएगा। और जहां बेटा होगा ना, दूध को रसगुल्ला बांटेगा, एगो काला एगो सफेद करुआ चल का मिला गया, दूध का हुआ बेटा। लेकिन नहीं पता है बेटा मौलाना बने, मुफ्ती बने, हाजी बने, लेकिन बेटी अगर माँ बने, आका फरमाते उनके कदम में जन्नत। बेटी माँ बाप के निजात का जरिया है, बेटी ससुराल जाए तो शोहर के लिए निजात है। शादी में देखें बेटी बाप घर कितना जनरेटर चलता है, शादी के दिन में देखें कई बेटा बाप के घर जनरेटर चलते देखे, शादियों वहां नहीं चलता, वहां कुकुर भूखता है, वहां खाली कुकुरे रहेगा। और बेटी बाप घर देखिएगा जहाँ बाराती आता है ना, वहाँ पूरा जनरेटर, जुगनू, खाना नाश्ता है ना, बिरयानी सलाद पापड़ सजा के रखता है मेहमान कुटुम्ब सब। और बेटी बाप एकदम गम गदगद है, नहीं बल्कि गदागद। और बेटा बाप लगता है कि एकदम गुमसन बसा रहा है, हालत खराब है, बराती भाग गया, दामाद नहीं आया, खानदान गोतिया गाड़ी रोक दिया, पसीना पसीना, क्योंकि बेटा नेमत है, तूने बेच दिया बेटा जी, बेटी रहमत है, बेटा बेचना बंद कर, दो ढाई लाख मत बेच, तेरा बेटा बिकने के लिए नहीं आया है। रसूल के नाम पे झंडा लगाते हो, रसूल के नाम पे नारा लगाते हो, रसूल के नाम पे गलियों को सजाते हो, जश्न ईद मिलाद नबी मनाते हो, आमद सरकार का महीना होता, तमाम लोग चलते हैं, हाथ में झंडा लेता है, सब मिलके कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, नबी देने वाला है, तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते हो। इसलिए ये शबे बरात का महीना है, इसमें कुरान पढ़िए, कुरान माँ बहने तू भी कुरान पढ़, अगर नहीं पढ़ना जानती हो तो जो मौला पढ़ाते हैं उनसे जाके सीख, बेटियों के हाथ में कुरान दे दे, सीखेगी पढ़ेगी। आजकल की बहू बेटी कुरान पढ़ती कहाँ है, शादी भी हम तो कुरान लाएगी लेकिन पढ़ेगी नहीं। हम लोग देखे ना हर जगह, एक बहू पूछे, हाँ बहू तुम लोग शादी जब होती है कुरान शिव लाती है कहाँ रखती है, बल अलमारी में, कब पढ़ेगी बहू, बल मेरी सास मरेगी तब, अब उसके सास मरबे नहीं करेगी ये कुरान पढ़ेगी, कुरान नहीं खोलती है, अलमारी में रख दिया, मोबाइल, अरे बाप 11 बजे रात खोल खाली नेट, मैसेज आया टुडुक से बजा फट से खोला, लेकिन रब ने 30 पारा का मैसेज अपने महबूब के जरिए भेजा है, कभी खोला? तेरे बंधु, तेरे दोस्त, तेरे साथी एक मैसेज भेजे फट से खोल के पढ़े, रब ने 30 पारा का मैसेज भेजा है, कब खोल के पढ़ोगे? कुरान पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, छूना भी सवाब। अगर शब बरात में नहीं पढ़ पाते हो ना तो जो पढ़ता है उनके बगल में बैठ के सुनना, वहां सुनना। और एक मसला ये है कि अगर आप कुरान पढ़े लिखे नहीं है तो शब बरात के दिन वजू कर लेना और मस्जिद घुसना, कुरान को खोलना, बोसा देना,
चुम्मा लेना, चूमना और क्या करना, कुरान के पारा को निकालना, उंगली रखना, ये भी हक है, सच है, हक है, सच है, हक है, सच है, कहते कहते पलटा देना, फिर हक है, सब लाइन में हक है, सच है, हक है, सच है, सच है, पूरा कुरान पढ़ने का सवाल मिल जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अरे करबला के मैदान में कुछ नहीं था जी, तीन दिन का भूखा प्यासा था। जगरनाक जिसको कहते हम लोग, नवमी के रात जिसको जगरनाक रात कहते हैं, जिस दिन बड़ की चौकी लोग तजिया उठाता है, उस दिन करबला के मैदान में सब लोग सो नहीं रहे, रात सब जाग रहा था। सकीना बीबी की उम्र 6 साल की थी, मैदान करबला में कुरान लेके बैठी थी। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी हाथ में क्या लेके बैठी हो? कहा, बाबा मैं कुरान लेके बैठी हूँ। कहा, बेटी किस लिए बैठी हो? कहा, बाबा मेरी माँ कुरान पढ़ रही है, फूफू भी कुरान पढ़ रही है, सब पढ़ रहे हैं, मैं नहीं सीखी हूँ, बाबा मैं कुरान पढ़ना चाहती हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बेटी ये करबला की मेरी आखिरी रात है। क्या कहा? करबला की आखिरी रात है बेटी, आओ मैं तुम्हें कुरान पढ़ा देता हूँ, कुरान सिखा देता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी पढ़ो, औज़ बिल्ला। अब बीबी सकीना 6 साल की उम्र, इमाम हुसैन की छोटी बेटी, सोगरा तो मदीने में छूट गई थी। कहा कि 6 साल की उम्र, नबी की बेटी की 6 साल की उम्र है बीबी सकीना। कहा, बाबा मैं कुरान पढ़ना चाहती हूँ। कहा, बेटी पढ़ो, औज़ बिल्ला। बेटी सकीना करबला के मैदान में, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन गरम है, तीन दिन के भूखे प्यासे फातिमा के घर के लाल मैदाने करबला में पड़े हैं। बीबी सकीना फूट के बैठती है, तीन दिन के भूखी प्यासी बीबी सकीना भी है, इमाम हुसैन सामने बैठाते हैं। कहा, बेटी पढ़ो, औज़ बिल्ला। बीबी सकीना ने कहा, औज़ बिल्ला। कहा, बेटी पढ़ो, बिस्मिल्ला। बीबी सकीना ने कही, बिस्मिल्ला। मेरे इमाम हुसैन ने कहा, बेटी पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानी रहीम, मालिक यौमिद दीन। पूरे कुरान पढ़ाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह के वलद दालीन तक। जो ही वलद दालीन पे इमाम हुसैन पहुंच गए, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू टपकने लगा। बीबी सकीना ने कहा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं, आंख से आंसू क्यों बह रहा है? आपने बहन सोगरा को कुरान पढ़ाई थी मदीने में, तब नहीं रोए थे? फूफू ने कुरान पढ़ा, आप नहीं रोए। माँ कुरान पढ़ी, आप नहीं रोए। रुबे उम्र रुबाब ने कुरान पढ़ा, आप नहीं रोए। अली अकबर ने पढ़ा, तब नहीं रोए। असगर ने पढ़ा, तब नहीं रोए। कासिम ने पढ़ा, तब नहीं रोए। दुख्तरे मुस्लिम ने पढ़ा, तब नहीं रोए। ये बाबा मुझको कुरान पढ़ा के आप करबला में रोए क्यों? तब इमाम हुसैन का जवाब सुनो। इमाम हुसैन फरमाते, ये बेटी ये मेरे करबला की आखिरी रात है, आखिरी रात है। आज मैं कुरान तुझे शुरू करा के अपने नाना की उम्मती के लड़कियों को, औरतों को ये पैगाम दे दे रहा हूं कि सुन ले मेरी माँ बहने, अगर तुम अपने बेटियों को कुरान पढ़ा देते हो तो गोया के बीबी सकीना की सुन्नत को अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह। बेटियों को मोबाइल मत दो, कुरान दो, कुरान। बेशक। बेटों को भी मोबाइल मत दो, कुरान दो, कुरान। आजकल तेरा बेटा मोबाइल में खाली गेम और लूडो, भोजपुरी गाना सुनेगा, आ रहा ही ले छपरा ही ले, पूरा खानदान ही लेगा, वक्त आ रहा है। क्या घबराते हो? क्या जरूरत? पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे और मुसलमान मोबाइल के पीछे। क्या करोगे जिंदगी? किताब पोथी बंद कर दिया है, होटल में मुसलमान बैठेगा, किताब दुकान में नहीं बैठेगा, मदरसा में नहीं बैठेगा, मस्जिद में नहीं बैठेगा, पुस्तकालय में नहीं बैठेगा, स्कूल में नहीं बैठेगा, होटल में बैठेगा। तो किताब दुकान में बैठता तो दिमाग बढ़ता, पुस्तकालय में बैठता तो दिमाग बढ़ता, होटल में बैठेगा दिमाग नहीं पेट बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? बढ़ गया, लंबी लंबी दाढ़ी है, मगरिब का टाइम है, मौजिन का तहिया सलाह, आओ नमाज के लिए, उस टाइम में दाढ़ी है, पकौड़ी मांग रहा है, बोल मिर्चा थोड़ा दीजिए। अजान के टाइम में लोटा खोलना चाहिए, ये मिर्चा हैया फला, आओ भलाई के लिए, गरम चौप पकौड़ी खा के बर्बाद। कम बुढ़ा लोग मौसी करता है, बुढ़ा लोग नमाज पढ़ने टाइम में मोड़ में बैठता है। कितने नमाज आपके मोहल्ले में होंगे जी? नहीं पता मुझको, आग जला के बोर से लेके ताप ताप के खाली कांप रहा है। नमाज पढ़ो ना गर्मी पैदा हो जाए जी, नमाज नहीं पढ़ेगा। कितने नमाजी होंगे गांव में? 8-10 को कितना होगा? वही 8-10, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब, बादल छा गया तो 5, पानी पड़ गया 3, गरज दिया 2, मलक दिया 1,
खाली जीम लेकर इमाम खड़ा, इमाम को बड़ी देखता है, इमाम है कि नहीं है। एक गांव में वो इमाम रखा है, जब इमाम रखा तो मस्जिद के बगल में खेत, पानी पड़ा खेत में भर गया तो पानी मस्जिदों में घुस गया। अब मस्जिद में पानी घुसा, बगल में खेत था, देखो हरहरा सांप इतना मोटा मस्जिद में घुस गया सबका। अब सांप घुस गया तो इमाम साहब बूढ़े उम्र दराज थे, सीधा सत्रह पांच छह नमाजी जोहर के टाइम में इमाम साहब जब मस्जिद गया तो सुन्नत पीछे पड़ के जब पढ़ने गया, क्या कहते हैं जमात, हर इमाम की तनख्वाह 1500 कितना देता था मात्र 1500। अब जब 1500 रुपया तनख्वाह है, इमाम साहब जब मुसल्ला में गए और उसी मुसल्ला कोना में जाके सपा छुप के बैठ गया था, और हरा सांप लोग कहते हैं जो पानी में रहता दौड़ता नहीं है, में वही सपा बैठ गया इमाम साहब। हाँ, दो चार रकत नमाज के लिए नियत किए और जब एक रकत पूरी करके जब रुकू में गए तो देखा कि सांप के माथा उठा रहा डूबा रहा कोना। इमाम साहब सोच रहा या अल्लाह तनख्वाह है 1500 मात्र, अगर सांप के माथा ऊपर उठल है, अगर वहां से अपना मथवा रखेंगे तो काटेगा, तनख्वाह है 1500 करे तो करें क्या। इमाम साहब चुपचाप रुकू में पड़ल है, दोपहर मिनट पांच छह मिनट हुआ, अभी इमाम साहब उठे नहीं रहा है तो बगल वाला पीछे वाला कहता अल्लाह ऊपर अल्लाह ऊपर। इमाम साहब को पता है कि यहाँ सांप का, वो लोगों को क्या पता है। इमाम साहब अल्लाह ऊपर, इमाम साहब उठ के खड़ा हो गया, का 1500 रुपये में क्या जान देंगे, क्या करेंगे 1500 रुपये में क्या जान देंगे, सांप का माथा मुड़ी उठने से जब तक सांप नहीं भागे खड़ा रहा। कहने मतलब आज सबसे कम तनख्वाह, अगर हिंदुस्तान में सबसे कम तनख्वाह तो औलमा की जमात की, ये को रोगाहा मानुष की हाजिरी 450, रोगाहा लेबर उसके हाजिरी 300, एक कुंटल के मूल भी 200 कसम नहीं देता नहीं देता, पूरे 6000 वो भी बहुत मुश्किल से, गोहरा गोहरी लुंगी समटा समटी फटा फटी तब 7500, उससे ज्यादा कहेगा अरे मौलवी तुलवी नहीं रखेंगे, नहीं देता हम नहीं देते। अरे इमाम एक जगह गए थे जलसा कर रहे, सही बता रहा हूँ आंखों ने, गए थे बिहार एक जगह जलसे में, उधर गया तरफ डेरा दिया मुझको इमाम के कमरा में, आज आपका मदरसा माशाल्लाह अच्छा है, हम मदरसे में आराम किए। इमाम से बोले के मदरसे के नजर रखो मोहल्ले वालों, माँ बहने मदरसे को आगे बढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ, मदरसे को आगे बढ़ाओ। हम वहाँ गए, अब जाके जब कमरा में दिया इमाम के कमरा में डेरा, तो हम जो ही इमाम के चौकी में जाके बैठे, वो चौकी अपने अपने हिलने लगी, हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला आ गया, बोला झारखंडी बाबा जल जला नहीं आया है, ये चौकी के कील कांटी से फूल के फेंकेगी। हम बोला यहाँ सदर सिक्रेटरी है नहीं, बोला है सदर है, ठेकेदार है, सिक्रेटरी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोले या अल्लाह राम करे, हम बोले इमाम साहेब हम आपके गांव में फैसला पंचती करने नहीं आए हैं, हमको सोने दीजिए, थोड़ा पंखा चालू कीजिए गर्मी लग रही। इमाम साहब उठा, अब पंखा बटन टीप दिया, अब पंखा बटन दबाया, अब पंखा चलेगा का है। हम बोले क्या हो रहा है, बोल रुके 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 रुके, फिर इमाम साहब झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ले मारा पंखा, तब हरे हरे हरे। हम बोले क्या हो रहा है इमाम साहब, माथा में कहा हवा लग रहा है, माथा घुमाए पंखा घुमाए, बोल दोनों घुमाई। हम बोला या अल्लाह रहम करे, उसके बाद हम लेट गए, लेटे फिर उठ के बैठ गए। मुहर्रम के लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था मुहर्रम में, तलवार भाला डंडा लाठी फरसा घड़ासा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर रूम में टांग दिया था। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले रहम करो या अल्लाह, इसे खतरा ड्यूटी इतने खतरा, तलवार बांधा यहाँ इमाम सोए यहाँ, अगर चूहा काट दे क्या होगा, बोल हम भी शहीद हो जाएंगे। उनके बाद हम करवट घूम के सो गए। अब जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टांग दिया कौन। हम बोले अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख दे सोचिएगा, खाली मुर्दे सोचिएगा, ऐसे ऐसे लोग है भी इलाके में, कोई कदर नहीं, इमाम कहाँ जा रहा है, इमाम कहाँ बैठ रहा है, ये बड़ी सोचिएगा, ये बड़ी देखिएगा, जो नजर इमाम पे रखते हो वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख लेता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, आज तेरी बेटी कनीज़े फातिमा। बेशक इमाम के ऊपर नजर,
इमाम को देखेगा, इमाम कहाँ कहाँ बैठ रहा है। इमाम अगर रूम में चुपचाप पड़ा हुआ है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, बोलिए इमाम साहब जो है ना ये गुमराह टाइप का इमाम, किसी से बतियाता नहीं। अरे इमाम साहब यहाँ वहां बैठ के अगर गप किया बात किया, ये इमाम जो है ना ये गांव में लड़ाएगा, दुपट्टी करवाएगा, बड़ी यहाँ वहां बैठ। इमाम अगर थोड़ा जिट जाट करके गाड़ी उड़ी चलाते चश्मा उश्मा पहन के, इमाम की नजर ठीक नहीं है। मतलब ये कौम इमाम पर पड़ता है। झगड़ा हुआ मोहल्ले में, पड़ गया मस्जिद, बातचीत हुई खेत में, लड़ाई शुरू मदरसा में। ये रिक्वा बंद करो, अपने औलादों को पढ़ा, रोटी में डलदा मत लगा, फटा कपड़ा पहन, साड़ी पुरानी पहन, बिल्डिंग हवेली मत बना, झोपड़ी में रह, बेटा पढ़ा बेटा पढ़ेगा, गली में चलेगा गुलाम रसूल के तरह, घर में घुसेगा गुलाम खास के तरह, बाप के सामने जाएगा गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया से उठेगा आशिक मुस्तफा। सुभान डेढ़ घंटा से ज्यादा बोल दिया। अरे बाप, दो एक बज गया, 11:20 से मैं शुरू किया था, 11:15 से पौने एक घंटा डेढ़ घंटा से ज्यादा बोल दिए, और मैं काफी थका हुआ हूँ। एक ही घंटा पहले बोलता था, जब मैं जवान था तो दो घंटा बोलता था, अब मैं जवान तो हूं नहीं। ये जो जीट जाट देखते हैं ये जान के थक में है, अंदर से खत्म, लेकिन अल्लाह का करम मैं जी रहा हूं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर पूर्णिया में कर दिए थे, तीन को बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हम बोले बैठे चचा बल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जगत कहा बैठ के करें। और सही बात यह, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा और कोई बूढ़ी भी नहीं जाएगी। अब वो आदमी का कि मौलाना कौन बुलाया है, चंदा दिए हम और कहे बूढ़ा जन्नत जाएगा। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगी वो बूढ़ा नहीं होगा, जो जन्नती होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए तौबा करो शब बरात से पहले, और जवानी में नमाज पढ़ लो, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़िएगा जी। हम लोग नहीं देखते बुढ़ा बुढ़ा लोगों को, गोल हाथ कांप रहा है, कब्रेजरिया बाहर है, मुंह में पानी का नाक में चला जाता है, उस टाइम में नमाज पढ़ेगा, एकदम 70 साल उम्र हो गई, ऐसे ऐसे कांपता है, उंगली उठा रहा था, याद पढ़ते पढ़ते ये वो उठाता, दोनों उठ जाते हैं। हम बोले चाचा एक एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं, बोल कम टाइम बचा है, जल्दी उठा उठा पूरा कर रहे। हम बोले तो हारमोनिया बजाओ, जिंदगी भर मूड में बैठे खाली खाना पकौड़ी खाया, अभी आके उंगली उठा रहा है, कहाँ नमाज पढ़ता है मुसलमान, अब पढ़ना जानता भी कहाँ। हम लोग 15 दिन तक रटे हैं हजरत से पूछे, तब अत्तहियातुल्लाह व सलावत याद किए 15 दिन, आप लोग यो को दिन नहीं रटे हैं तो आप लोग को याद कैसे हो गया, आप लोग मानुष हैं जीने। हम लोग 15 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद किए, आप लोग ने मदरसा गए ना कुरान शरीफ पढ़े ना अंपारा पढ़े ना संदल कुरान पढ़े ना कभी पूछे ना कछे, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या, सोच के देखिए खाली झूठे लगता है अजमेर से डायरेक्ट गाजी पड़ा मतलब, ये कुछ नहीं जानता, चुक चुक हुआ लगता है, इस टाइम में बेटा ये चुक चुक हुआ कौन किताब में लिखा है, पर सब चुक चुक हुआ, ये सब कमाल है। इन बेटों को कम से कम इस्लाम के बारे में कुछ पता करो, 5 कलमा याद नहीं, नबी कहाँ पैदा हुए वो याद नहीं, माँ का नाम क्या वो याद नहीं, इस्लाम धर्म क्या है कुछ नहीं, कलमा नहीं पढ़ पाते हो, अपना नाम सही से नहीं बता पाते हो। इसलिए लोगों और वली को मानो, अल्लाह को मानो, माँ बाप को मानो, इस्लाम को मानो, कुरान को मानो, अकीदे को मानो, ये सब कुछ मानो, लेकिन सबसे पहले फरमाने मुस्तफा को मानो। इतने पैसा हुआ हो आप लोग दिए कि नहीं दिए, खाली खुचड़ा पसा 10 टका 5 टका देगा ठीक है,
आजकल मुसलमान नेक रास्ता देता कहाँ है। जुमा दिन जुमा पढ़ेगा आंख बंद तस्बीह शुरू, जहाँ पैसा उठाइए अस्सलाम वालेकुम तुल्ला अस्सलाम वालेकुम तुल्ला, पैसा उठाना शुरू आंख बंद तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा 10% दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है अजमेर से 10% जी पड़ा मस्जिद में उतरा है और वो कुर्ता पजमा सफेद सफेद, अरे बाप लगता है जिन्नात से आया, नहीं देता है, हम नहीं देखते। जब पैसा उठाना खत्म कर दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह जान बची मोहम्मद रसूलुल्लाह, 10% नहीं देगा, बल मौला साहब इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में, इस्लाम खतरे में कैसे रहेगा, ये डब्बा 10% देने की शक्ति नहीं, बल मौलाना इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हम बोले जान मत देना 10% दे, जो 10% नहीं दे सकता वो जान दे सकता है, बल जुबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी, वाहरे मुसलमान क्या करोगे, इस्लाम के नाम पे जान गर्दन कटा देंगे लेकिन मस्जिद में जाके गर्दन नहीं झुकाएगा, है ना। रसूल के फरमान से एकदम है ना जोश हो जाता है, लेकिन उसके फरमान पे जाके अमल नहीं करते हो, जबान से बोलो करके देखा। आज की तकरीर भले ही मुझको ताकत लगी बोलने में, मैं थका हूँ, लेकिन आज जिस तरह गुफ्तगू मेरी हो गई हमको नहीं लगता कहीं दूसरे जैसे मैं सब बोल पाएंगे। आज मैं फेंकम फांकी बहुत कम किया, सही बता रहा हूँ, मुकम्मल में तकरी इस्लाह मुआशरा, जो बैनर में था इस्लाह मुआशरा उस पर मुकम्मल मेरी तकरी हुई, इस्लाह मुआशरा में ही बयान होना चाहिए, वरना मैं भी वाकया एक से एक बोल सकता हूँ घंटों घंटा, लेकिन खिस्सा और वाकया से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं कह दूंगा हजरत उमर ने तलवार लेके गए थे अपने बहन के घर, तलवार छूट गई, उमर मुसलमान हो गया, सिर्फ कुरान पढ़ा नहीं था उमर ने, कुरान को सुना था उमर ने, तो तलवार हाथ से छूट गई, इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिलाल को कुफारे मक्का ने बड़ा बड़ा पत्थर सीने पर रखा, लेकिन रसूल के नाम को जबान से नहीं छोड़ा। आज कुछ लोग भारत से मुसलमान को भगा देंगे, ये कर देंगे, लगता किसी के बाप के मामू घर बसे हैं भगा देंगे, भारत मेरे बपोती है जी, हम लोग खतियानी मुसलमान हैं, मेरे खाजा भारत का राजा जो अजमेर में आए एक ऊंट को बिठाया था, तो खाजा ने कहा जा तेरा ऊंट ही बैठा रहे, पृथ्वी राज की हुकूमत हार गई, खाजा का बिठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा जी। बेशक राजा किसने बनाया, ईवीएम मशीने नहीं, चुनाव आयुक्त नहीं, पंपलेट नहीं, रैली नहीं, सभा नहीं, पलटू राम चचा ने किसने बनाया, मेरे खाजा को जिसने राजा बनाया, वो दुनियादार का मोहर नहीं था, अहमद मुख्तार का मोहर। सुभान अल्लाह। जब भारत में खाजा रहेगा 30 करोड़ मुसलमान भगा देंगे, मुसलमान को भगा देंगे, ये को भगा है मुसलमान आज तक, ऊपर से सीमा हैदर 4 गो लेके अंदर आ गया, भागेगा खा 4 गो पाकिस्तान में पैदा करके हिंदुस्तान का मामा बना दिया, अंधा भक्त लेके घूम रहा है सीमा हैदर सीमा हैदर, लो बाजी बना, तुम तो भगाते हो क्या, तुम तो लाते हो, तुम्हारा नारा गलत है, हम नहीं सपोर्ट करते अंधभक्त का, मेरा खाजा जब तक रहेगा भारत में, वो खाजा जिनके दर पे जो गिया है खाली नहीं, बेशक, लेकिन दिल से जाना वली के दरबार में, दिल से पुकारो कसम खुदा के, दिल से जो आह निकलती है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह, बेशक, हम वली को अल्लाह नहीं मानते, वली को अल्लाह का बंदा मानते हैं, नेक मानते हैं, हम सजदा खुदा को करते हैं, बंदे को नहीं करते हैं, मजार में सजदा करना हराम, हम कब्र नहीं पूछते हैं, कब्रों की जियारत करते हैं, वली से नस्बत जोड़ो छोटी चीज को बड़ी चीज में तो मकाम बुलंद हो जाता है।
इसलिए मेरी माँ बहने आप भी कनीज़े फातिमा बन जाओ, आप भी नमाजी बन जाए। और फातिमा के लाए हुए फातिमा जहरा अपने बाबा के घर गए, अपने घर में रहे। और जब हजरत अली बाहर चले गए और जब बीबी फातिमा के घर में उनके बाबा रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, दरवाजा खोलने के लिए दस्तक दिया, अंदर से आवाज गई, बाबा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहा क्यों बेटी? फातिमा कहती बाबा मेरा कपड़ा, मेरे बदन में इतना कपड़ा नहीं है कि मैं आपके सामने जा सकूं। वो नबी की बेटी है, माँ बाप ने फटा कपड़ा पहन करके बीबी फातिमा ने दुनिया वालों को बता दिया कि जब फटा कपड़ा रहे तो ससुराल की शिकायत ना करना, बल्कि सब्र कर लेना, फातिमा की सुन्नत अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं डेढ़ घंटा लगभग लगभग हजरत दो बारह से एक, ग्यारह से बारह दो, दस पौने दो घंटा बोल दिया। कितना बोला? पौने दो घंटा बोल दिए। अगर इससे ज्यादा बोलवाइएगा ना तो ये वो किडनी का दाम 14,000 है, दो 28,000 फांस जाइए। हम घर में कह दिए कि गाजी पड़ा जा रहा है, लोग आ जाएगा खोजने के लिए। दो दो घंटा बोल रहे, ये मेरी माँ की दुआ बोल। अभी के मुकरी रहे बाप एक घंटा बोलेगा हजरत, अब 50,000 40,000 30,000 लेता है। और ये बेचारी कौम दे भी देती है। और आजकल शायर लोग आता है 50,000 लेता है, वो गुजरात से वो शायर आता है, 60,000 लेगा, मशीन लेके आता है, DD3 एकदम सेट करता नहीं देखते। और नाक पड़ेगा ली 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 लेता, मेरी बीमारी उठ गया, अली अली अली, ये क्या करता है? पूरा जलसा तबाह। कसम हमसे मुलाकात हुई थी, हमने कहा तुम लोग शायर हो, मशीन लेके आए हो, हम लोग मुकरिर हैं, जनरेटर ले आएंगे, जलसा फिर ही होगा। ये सब नाटक है इनका। एक एक जलसे में, खास करके सीमांचल इलाके में कितना जलसा पूरा हिंदुस्तान में नहीं होता। सबसे ज्यादा जलसा बड़ा बड़ा पोस्टर, बड़ा बड़ा, अरे जलसा करो ना भैया, कौन मना किया है? दो दो दिन का जलसा, जलसे से फायदा होगा तब ना करोगे। एक मिलाद में अमल कर लो, जलसा से कामयाब हो जाए। बड़ा जलसा चक्कर मत रहना। 50,000 का शायर मुखरी आएगा, एसी में आएगा, एसी में रहेगा, बेसी पे साले चला जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। अपने इलाके के उलमा-ए-इमाम में एक दो मुखरी शायर बाहर से बुलाइए, ये जलसा कम खर्चा में इतना बड़ा जलसा हो रहा है, कम खर्चों में बड़ा जलसा हो रहा है। आजकल के मुखरी 50,000 पहले डालो, अरे जाके गाड़ी पहले लगा के रखो स्टेशन में, मौलाना झारखंड में थोड़ा के चारों गाड़ी बदल के टोटो में ठेल के आ जाएगा। उन लोगों के लिए पहले से तैयार रखो। मैं भी वक्त का झारखंडी हूँ, मुझको सुनने के लिए लोग देखने के लिए आता है। अभी फिर 27 तारीख को आएंगे बारसो, ये क्या कहते हैं यहाँ पे 22 एक तकरीर करके गए हैं हाल फिलहाल में, इधर बारसो उतर करके गए ना सुधानी में, अब फिर दो तकरीर हो रही है अब की किशनगंज पूर्णिया में। अलग ऐसा नहीं है कि हम लोग भी स्टाइल नहीं करते हैं। आजकल यूपी गुजरात और बाहर बाहर के मौला बिहार वाले को तबाह करके रखा है। जी इतना पैसा लेंगे तब जाएंगे अपने इमाम को, जब नाम पढ़ेगा इमाम मोहल्ले के मौला मैं पे खड़ा होगा, तुरंत बैठा दे। और वही मुर्गी लेके सुबह टूवर के तरह, मौलवी साहब थोड़ी मुर्गी जमा कर दीजिएगा, हम लोग गुजरात से जमा करवा, सब काम करेगा मोहल्ला इमाम मौला। आज जब बाहर क्या जाएगा ना इन लोग अजीब बात, यही कलाम गुजरात वाला पढ़ता है, जो झारखंड वाला बिहार वाले पढ़ते हैं ये कोटे का नहीं देगा। और वही यूपी का कोई शहर खाली पढ़ दिया, क्या क्या दोबारा जाएगी ना, लुटा रहा हाथ बंद दे रहा है मथमाम देता है हम लोग को हथमाम। पढ़ो, जलसा करो, लेकिन जलसे में शॉर्ट खर्चा करो, मिनी जलसा करो, दो तीन जलसा कर देना, मुहर्रम में, रबी अव्वल में, ग्यारहवीं में, ताम झाम बड़ा जलसा चक्कर मत रहो। जलसों का पैसा मकतब में खर्चा कर, मदरसों में खर्चा कर, गरीब की बेटी की शादी में खर्चा कर। जलसों में फायदा मिलता है, लेकिन जलसा दो चार एक दो जलसा काफी है।
बड़े बड़े जलसों से फायदा नहीं मिल रहा कौम को, बड़ा बड़ा पोस्टर देखिएगा। इसी तरह एक गांव में जलसा रखा था, मजमा नहीं जुटता था, लिख दिया पेपर में एक गोंगा मौलवी पाकिस्तान से आ रहा, गोंगा मौलवी तकरीर करेगा, अरे बाप गोंगा क्या बोलेगा, चलो 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 पूरा सीमांचल उठ के आ गया, मजमा ठाठे मारता हुआ गोंगा मौला मैक में खड़ा, सब देख रहा कि गोंगा तकरीर करेगा कैसे। अब साइड में वो उसका पीए स्टेप में पीए जो गोंगा भाषा समझाएगा, गोंगा मैप में खड़ा हो गया, सब लोग देख रहा है कि मजमा जुटाना था। आजकल लोग मजमा जुटता है खाली नाम से, काम से नहीं जुटता, फलना मौला आ रहा है चलो देखेंगे वो क्या बोल रहा है, मतलब नहीं मौलाना आ रहा है तो वो लिख दिया गोंगा मौलाना तशरीफ ला रहा है, पूरा मजमा मौलाना गोंगा मैप में खड़ा हो गया, हल्का ये बोला ये क्या कहा अल्लाह एक है कहा, फिर दूसरा कहा ओ बोला ये क्या कहा कि खाली अल्लाह को मानने से नहीं होगा साथ में रसूलुल्लाह को मानना होगा, समझा रहा है। लास्ट टाइम कहा ओ बोला ये क्या कहा दोनों नहीं मानेगा जहन्नम, कहने मतलब है आजकल लोग नाम से आता है काम से नहीं आता है, मेरी तकरीर जैसे हो गई आप लाखों रुपया खर्चा करोगे इसलिए है मुआशरा पे गुफ्तगू नहीं सुनने को मिलेगी, मैं दर्द दिल बयां करता हूँ मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, दर्द दिल होता है हालत हासना होती है, इन बातों पे अमल कर लोगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। सुनना हो तो न्यू सुन्नी नेटवर्क मेरा चैनल है जो डेली तकरीर आती है, न्यू सुन्नी नेटवर्क सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये दोनों चैनल है यहाँ पे, इन लोग का अपना अपना नाम होगा, ये सब तकरीर सुन लीजिएगा। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, कहाँ जाना एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, दुगो बुढ़ा के पूछने लगा हाँ झारखंडी बाबा ये यूट्यूब बंगाल में बिहार में यूट्यूब कहाँ जाना होगा, भला टोटो चलता बस चलती है, हम बोले चाचा यूट्यूब जाना, बोले यूट्यूब जाएंगे भाड़ा कितना लगेगा, मैंने कहा भाड़ा नहीं लगता चाचा, मौला झारखंडी लिखना या सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना या सिर्फ झारखंडी बाबा लिख देना, पूरी तकरीर आएगी मेरी, हर्रा जुब्बा गुलाबी जुब्बा पीला जुब्बा कट्ठा जुब्बा, एक से एक तकरीर है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, टोटल बातें उसी में आ जाएगी, और उसमें शादी पर ब्याह पर पड़ाका पर डीजे पर सब पर तकरीर। आज गुलाम रसूल बलियावी साहब पूरे इलाके में तरीके बेदारी चलाए, मैं 12 साल पहले इस पर तकरीर कर चुका था डीजे पड़ाका शादी ब्याह पर, अल्लाह का करम है कि अगर आपके गांव में भी गाजी पाड़ा में कोई बाहर से बराती दूल्हा अगर पड़ाका डीजे लेके आ जाएगा तो दूल्हा को बरम भर के गाछ में टांग निकाह पढ़ाना बंद, नहीं निकाह पढ़ाना, सुन्नत मुस्तफा अदा कर इंशाल्लाह। दो घंटा मैंने बोल दिया, अब इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो कल मेरा घर वाला सब बोलने के लायक नहीं रहेगा, कहेगा झारखंडी मौलाना कहाँ चला गया, अल्लाह का करम है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, पूरा मजमा दिल से आत्मा से हृदय से कल्ब से जिगर से प्रेम से एकता से समानता से समता से मानवता से दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम।